फ्रेंड्स, इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। तो आज बात करते हैं क्लब फूड के बारे में। क्लब फूड या टेलीपस इक्विनोवेरस, राइट, ये काफ़ी कॉमन सी परेशानी है और तकरीबन 700 लाइबोर मेबीज में से किसी एक में एक ही क्लब फूड हो सकता है, राइट। उसके भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर वेराइटी के होते हैं। उसका क्लासिफिकेशन है, इसको डीमिग्लोस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो माइल्ड है या मॉडरेट वेराइटी का है, सीवियर वेराइटी का, राइट। और काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे ट्विन प्रेगनेंसीज है, कोई यूट्राइन जो कॉन्ट्यूर है, जिसका मतलब ये है जो यूट्रस के अंदर कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी हो, उसकी वजह से हो सकता है। ट्विन्स की वजह से हो सकता है, कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी उसकी वजह से हो सकता है। बच्चे के प्रेगनेंसी के दौरान अगर पानी कम होता है, इसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं, उसके उन केसेस के अंदर भी वी कैन हैव ए क्लब फूड, राइट। और जेनेटिक भी हो सकता है। तो जेनेटिक होने की पॉसिबिलिटी तकरीबन 7 से 8% होती है। लेकिन एक आज इंटरेस्टिंग केस मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि इट इज़ अ क्लब फूड, लेकिन इवेल्युएशन ऑफ द क्लब फूड के लिए रेफर हुआ था। लेकिन जब हमने इसको मतलब थोड़ा सा और डिटेल में देखा, तो हमने पाया कि जो डिस्क्रिपेंसी है इन बोथ द लिम्स वो है। सो इट इज़ अ लिम डेफिशिएंसी, इंटरकैलरी डेफिशिएंसी बोलते हैं उसको। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों हो सकता है, मतलब एक टांग में हो, दोनों टांग में हो। इसके इसके अंदर एक ही टांग में है और वो कि राइट लेग में है, लेफ्ट लेग ऊपर है। तो ये जो राइट लिम है, इस ये राइट लिम में जो लोअर लिम्स की दोनों बोन्स होते हैं, इसको टीबिया फिबुला बोलते हैं। ये दीज आर शॉर्ट एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल विच इज़ दी लेफ्ट लेग, राइट। तो इंटरकैलरी डेफिशिएंसी है। वी आर ट्राइंग टू शेक द बेबी अप कि वो थोड़ा सा उसका मूवमेंट हो जाए। और तो ये जो लिम है वो भी बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, तो लिम की भी डेफिशिएंसी है, लिम की डिस्क्रिपेंसी है। दूसरा जो लोअर लिम, ये स्वान नेक टाइप्स, मतलब ये बिल्कुल ही एकदम, अगर इसको फीट को अगर आप देखिए तो स्वान नेक टाइप हो गई है। तो ये लिम डेफिशिएंसी टाइप ऑफ क्लब फुट है। क्लब फुट वैस्कुलर इंसल्ट भी होती है, जो एक आर्टरी जिसको एंटीटीबल आर्टरी बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से लोअर लिम की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, और उसके अकॉर्डिंग मसल्स की भी नहीं हो पाती है। तो वैस्कुलर इंसल्ट है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में भी हो सकता है, कुछ वेजो एक्टिव ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, एल्कोहल की वजह से भी हो सकती है, और हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, स्ट्रीट ड्रग्स जिनको बोलते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है, राइट। जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन इसमें यह देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डीप एवेल्युएशन ज़रूरी है। तो इसमें जो नॉर्मल है राइट लिम और जो अफेक्टेड है लेफ्ट लिम के बीच में लिम डिस्क्रिपेंसी है, राइट। तो तकरीबन आधे से भी कम है। तो जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ दी अफेक्टेड लिम है वो डेफिशिएंट है, और उसी वजह से जो लोअर लिम है वो भी, जो फीट है वो भी स्वान नेक टाइप बिल्कुल एकदम शिथिल हो गया है और स्वान नेक टाइप हो गया है, राइट। सो इट इज़ अ लोअर लिम डेफिशिएंसी विच इज़ मैनिफेस्टिंग एज क्लब फुट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोग्नोसिस बहुत डिफरेंट हो जाती है, राइट। ओके, सो व्हाट वी आर डीलिंग विद अ प्रोबेबल लोअर लिम डेफिशिएंसी, तो लिम डिस्क्रिपेंसी भी है और उसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी सीवियर वेराइटी ऑफ क्लब फुट भी है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।